हाय स्टूडेंट्स, प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट के कुछ बचे हुए मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री। सो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए। 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, उसकी हिंट मैं लास्ट में दूंगी 8th क्वेश्चन कैसे करना है। अभी 9th क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। सो इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम 0, 1 की फॉर्म ले आते हैं किसी रो या कॉलम को, सो दैट हम इजिली इवैल्यूएट कर सकते। तो यहाँ पे 0, 1 कैसे ला सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, अगर मैं फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाऊं C1 प्लस C2 प्लस C3, सो क्या कुछ हो सकता है, कॉमन आ सकता है, ये क्या बनेगा x प्लस y प्लस x प्लस y, दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस y, ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y, इन तीनों को ऐड करो ये क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, ठीक है, तो अब मैं ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकती हूँ। सो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बना, वन वन वन, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट इज। अब मैं इन दोनों को जीरो कर सकती हूँ कैसे, आर टू पे ऑपरेशन लगाऊंगी आर टू माइनस आर वन, आर थ्री पे ऑपरेशन लगाऊंगी आर थ्री माइनस आर वन, राइट। तो ये क्या बनेगा 100, फर्स्ट रो एज इट इज, दिस माइनस दिस करो क्या बचा x, दिस माइनस दिस करो क्या बचा माइनस y, दिस माइनस दिस दैट इज x माइनस y, दिस माइनस दिस दैट इज माइनस x। तो अब मैं अलोंग फर्स्ट कॉलम डिटर्मिनेंट निकाल सकती हूँ क्योंकि दो चीजें मेरी जीरो आ गई। इंटू वन ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वाई। तो ये क्या बना ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, माइनस ऑफ टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया है, सो दैट मेरी कोई आइडेंटिटी बन जाए। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये किसकी आइडेंटिटी है, माइनस टू एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो यही आपका आंसर है। 10th क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, इसमें तो साफ साफ फर्स्ट जो कॉलम है वो 1, 1, 1 है। सो आर टू माइनस आर वन आर थ्री माइनस आर वन करके ये दोनों जीरो बना सकते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर सकते हैं। देखिए R2 पे ऑपरेशन लगाओ R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लगाओ R3 माइनस R1, सो डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू बनेगी 100, फर्स्ट रो एज इट इज, दिस माइनस दिस x प्लस y माइनस x y, y माइनस y 0, x माइनस x 0, x प्लस y माइनस y x। अब फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इवैल्यूएट करो 1 इंटू वाई एक्स माइनस 0, सो सिंपली आपका आंसर क्या आ गया y x। 11 टू 16 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम अलग से वीडियो में कर चुके हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर। 17th क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है ए बी सी जो है एपी में है, ए बी सी एपी में है मीन्स
बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी होगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा टू बी इक्वल्स टू सी प्लस ए, यहां से मुझे क्या मिलेगा जीरो इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस टू बी। एग्जाम्पल किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज का जिसमें एबीसी एपी में थी, हमने देखा था आपको निकालना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऑप्शंस हैं जीरो वन एक्स टू एक्स, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो टर्म जीरो कर देते हैं कोई भी दो, या वन कर देते हैं, सो दैट उस रो के रिस्पेक्ट में या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इजिली डिटर्मिनेंट निकाल सके। सो देखते हैं जीरो वन की फॉर्म कैसे बन रही है, क्या करें कि कहीं पे जीरो या वन आ जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए डिटर्मिनेंट, क्या कर सकते हैं। अगर मैं x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर करूं, उसमें से माइनस कर दूं ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्री, तो मेरा जीरो बन जाएगा। मींस मैं क्या कर रही हूँ, आर वन पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, आर वन प्लस आर थ्री माइनस ट्वाइस ऑफ आर टू। सो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा वो देखिए, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज लिख लीजिए पहले, आप देखो R1 पे ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पे R1 क्या है x प्लस टू, आर थ्री क्या है x प्लस फोर, माइनस क्या करना है ट्वाइस ऑफ आर टू मीन्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, ये क्या बना 2x प्लस सिक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स, सो ये क्या आ गया मेरा जीरो। सो ये टर्म क्या आ गई मेरी जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे लगाओ x प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस फाइव माइनस ट्वाइस ऑफ आर टू माइनस टू एक्स माइनस एट, ये क्या बना 2x प्लस एट माइनस टू एक्स माइनस एट, दैट इज जीरो। सो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल गया जीरो। अब यहां पर लगाओ x प्लस टू ए प्लस एक्स प्लस टू सी माइनस ट्वाइस ऑफ दिस माइनस टू एक्स माइनस फोर बी, दैट इज टू एक्स प्लस टू ए प्लस टू सी माइनस टू एक्स माइनस फोर बी, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, टू हम कॉमन ले सकते, ये क्या बना ए प्लस सी माइनस टू बी। ठीक है, आप देखो ए प्लस सी इसकी जगह क्या आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी माइनस टू बी, बिकॉज हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट ए बी सी एपी में है, सो ये कंडीशन होल्ड करेगी, मीन्स ए प्लस सी माइनस टू बी क्या हो जाएगा मेरा जीरो, मीन्स टू इंटू जीरो दैट इज क्या बन गया जीरो। सो ये भी क्या हो गया मेरा जीरो। सो अगर हमारी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट जीरो हो जाए, इट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है जीरो। सो यहां पर मैं लिख सकती हूँ आर वन इज जीरो, देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई जीरो। सो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए जीरो। क्लियर। 18th क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं है एंड दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, आपको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, ऑप्शंस गिवन है आपको। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मीन्स ए हमारा क्या होना चाहिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है या नहीं। सो मैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल रही हूँ, x इंटू ये कॉलम ये रो हटा दो, वाई जेड माइनस जीरो प्लस जीरो, सो ये क्या आ गया डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड, और आपको गिवन है एक्स वाई जेड जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है, मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है वन ओवर एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अब हम, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट, सो ट्रांसपोज ऑफ क्या हो जाएगा ए वन वन ए वन टू सॉरी ए टू वन ए थ्री वन ए वन टू ए टू टू ए थ्री टू ए वन थ्री ए टू थ्री
A33, ये ऑफ ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालो, A11 निकालो, A21 निकालो, A31 निकालो, A12, A22, आगे के हम बाद में निकालेंगे। -1 की पावर रो प्लस कॉलम 1+1 इंटू माइनर M11, M21 क्या होगा, -1 पावर 2+1 इंटू M21, -1 पावर 3+1 इंटू M31, -1 पावर 1+2 इंटू M12, -1 पावर 2+2 इंटू M22, -1 का स्क्वायर दैट इज 1, M11 निकालो, ये कॉलम ये रो हटा दो, क्या बचा, YZ -0 दैट इज YZ, माइनस M21 के लिए ये रो ये कॉलम हटाओ, 0 -0 दैट इज 0, -0 कुछ होता ही नहीं है, 0 ही आ गया। M31 निकालो, 0 -0 दैट इज 0, M12 निकालो, 0 -0 दैट इज 0, -0 आएगा दैट इज 0, M22 निकालो, ये कॉलम ये रो हटा दो, क्या बना, XZ -0, XZ आ गया। तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज रख देते हैं, सो इनकी वैल्यूज रख देते हैं, क्या आ गया, YZ 0 0 0 XZ, ये आ गई इसकी वैल्यूज। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे A32, A13, A23, A33, -1 पावर 3+2 इंटू M32, -1 पावर 1+3 इंटू M13, -1 पावर 2+3 इंटू M23, -1 पावर 3+3 इंटू M33। माइनर्स को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से देख सकते हैं। -1 पावर 5 दैट इज -M32, M32 मींस थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो ये क्या आ जाएगा, 0 -0 दैट इज 0, -1 पावर 4 दैट इज 1 ओनली M13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 -0 दैट इज 0, -1 पावर 2+3 मेन सेकेंड रो थर्ड कॉलम दिस एलिमेंट, सो ये क्या आ जाएगा, 0 -0 दैट इज 0, -1 पावर 6 दैट इज 1, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, XY -0, सो क्या बन गया, XY सिंपली। इनकी वैल्यूज रख दो, 0 0 0 XY, ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे एंड कॉलम्स रोज में, सो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाओ, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बनाओ, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बनाओ, क्योंकि ये एक डायगनल मैट्रिक्स है और डायगनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम ओनली, ठीक है। रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज किया तो यही आ गया, मुझे यही मिल गया। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, सो ए इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, अब इस कंप्लीट मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करना है, एक्स वाई जेड से, सो ये क्या बना, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, ये तो जीरो ही है, जीरो को किसी से डिवाइड करो जीरो ही रहेगा, एक्स जेड बाई एक्स वाई जेड, जीरो जीरो एक्स वाई बाय एक्स वाई जेड, ठीक है, ये आ गई मैट्रिक्स। सो ये क्या होगा फाइनली, ए इनवर्स क्या मिला, वाई जेड, ये हो जाएगा 1/x, 0 0 0, ये हो जाएगा 1/y, 0 0 0, 1/z। सो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स 0 0 0, वाई इनवर्स 0 0 0, जेड इनवर्स। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 19, इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है जहां पे जो थीटा है वो 0 टू 2 पाई में बिलोंग कर रहा है, मींस मिनिमम वैल्यू 0 मैक्सिमम 2 पाई।
आपको बताना है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस इंटरवल में बिलोंग करेगा उसके लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0-1 की फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं। तो इसमें क्या करूं मैं, अगर मैं C3 पे ऑपरेशन लगाऊं, C3 प्लस C1, सो A क्या बनेगा मेरा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज, इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 2, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, -1 प्लस 1 0, सो ये आ गया। सो अब मैं अलोंग थर्ड कॉलम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकती हूँ, सो 2 into दिस रो दिस कॉलम हटा दो, माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1 into 1, दैट इज 1। सो मेरी क्या वैल्यू आ गई, 2 into साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब जो साइन थीटा की वैल्यू है मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है, 1 से ज्यादा तो वैल्यू नहीं होती, राइट। और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है, मिनिमम, देखो ये ध्यान रखना कि जो थीटा है वो 0 to 2 pi पे बिलोंग कर रहा है, साइन जीरो पे क्या वैल्यू होती है, 0। सो इस रेंज में जो थीटा की वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम कितनी होगी, 1 कहाँ होती है, पाई बाई 2 पे, ठीक है, थीटा 0 to 2 pi में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो -1 मिनिमम होती है आई नो, पर वो इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा। सो मिनिमम वैल्यू होती है साइन थीटा की 0 to 2 pi इंटरवल में 0, और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी मीन्स जब साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, सो 2 into 0 plus 1, दैट इज 2। और मैक्सिमम वैल्यू कब हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, 1 पे, सो ये क्या हो गया, 4। सो मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या होगी, 2, मिनिमम वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या होगी, 4, एंड थीटा lies between 0 to 2 pi, so determinant of a किस interval में belong करेगा, minimum 2 and maximum 4, that is option D। minimum कितनी होगी 2, maximum कितनी होगी 4, और उसके बीच में कोई भी value हो सकती है, clear? 8th question, do it yourself। मैं आपको थोड़ा hint दे देती हूँ, इसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको वेरीफाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, क्योंकि यहां ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स गिवन है ए, सो ट्रांसपोज ऑफ A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा मेरा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो आएगा इसका डिटर्मिनेंट निकालो, और ये जो वैल्यू आएगी उसका फिर से एडजॉइंट निकालो, समझ रहे हो, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद फिर से इसका एडजॉइंट निकालना है, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स का मतलब। और ये किसके इक्वल शो करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स मींस पहले आपको ये चीज निकालनी है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, दैट इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालने के बाद इस कंप्लीट का एडजॉइंट निकालना है, दैट इज
एडजॉइंट ऑफ वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. सो ये और ये वैल्यू सेम आएंगी, ये आपको शो करना है. ट्राई इट योर सेल्फ, कोई भी डाउट हो यू कैन सेंड मी. सेकेंड पार्ट इसी का ही है, ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू ए. ये तो प्रॉपर्टी भी थी, इसका हमने प्रूफ भी किया हुआ है. सो उसके लिए आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालो, दैट इज वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. उसके बाद इसका फिर से इनवर्स निकालो, ये वैल्यू आएगी, उसका फिर से आपको इनवर्स निकालना है. ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, ये आपको शो करना है. ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप भेज सकते हैं अपने डाउट्स मुझे मेरे फेसबुक पेज पे, या आप मुझे मेल कर सकते हैं, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट देयर. अगर आपके कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं. स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, वैक्टर्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ. आप या तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और यू कैन चेक देयर लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टिल देन, बाय बाय.